नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। मंगलवार को अपराध रसूलाबाद क्षेत्राधिकारी परशुराम सिंह व कोतवाल शशि भूषण मिश्रा के नेतृत्व में रसूलाबाद के मुख्य चौराहे पर भारी पुलिस बल के साथ एवं पीएसी के जवानों सहित पैदल गश्त निकालकर क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में पैदल मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों से चुनाव में निर्भीक होकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने का आह्वान किया। वहीं हिदायत देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों के साथ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी और कतई हिला हवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दोनों अधिकारियों ने यह भी कहा कि मतदाता निडर होकर अधिक संख्या में अपने प्रत्याशी को वोट करें, वहीं जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करने को कहा। पत्रकार हुई वार्ता में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने हेतु व किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले व 44 धारा का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र के अपराधी, गुंडे, माफिया, हिस्ट्री सेटर अपराध छोड़े या जिला छोड़े, नहीं तो सलाखों के पीछे जाएं। इन पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। इनकी हिला हवाली को कतई नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आपके जनपद में तीसरे फेज में है, पुलिस का जो कार्य होता है वो होता है शांति व्यवस्था का वातावरण स्थापित करना। मजिस्ट्रेसी का काम होता है वो हमारा सहयोग करें और हमें दिशा निर्देश। तो वो इसी कार्यक्रम में आज एरिया डोमिनेशन है, तो हमारे जितने संवेदनशील अब संवेदनशील प्लस बूथ चिन्हित हैं, उन गाँव का भ्रमण करेंगे और लोगों में संदेश देंगे कि आप खुल करके फ्री एंड मुफ्त स्वयं को तथा अपने परिवार को बिना किसी दबाव का आप मतदान करें, हम आपका सहयोग करेंगे। कहीं भी किसी तरह की कोई किसी को परेशानी परिसर में आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए माहौल देने का हम प्रयास करेंगे और 100% उनके साथ रहेंगे। किसी भी गरीब को कोई जनजाति का व्यक्ति कोई न पीड़ित हो, सारे लोग निष्पक्ष होकर और विकास के लिए वोट करें, ये हमारी मंशा रहेगी, हमारी पुलिस की मंशा रहेगी। और हम कहीं संख्या में हमारा कोई कर्मी भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इस चुनाव में हिस्ट्री सीटों के लिए सर तो इस सर्किल में दो थाने हैं, सिवली और रसूलाबाद। रसूलाबाद में 83 एससी सीटर है, मैक्सिमम खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 83 एससी सीटर में सबके खिलाफ लगभग कार्रवाई हो चुकी है और सबको पाबंद सदाचार के लिए पाबंद कराया गया है, चाहे जितने भी हिस्ट्री सीटर हों, एक्टिव हैं। 7 हिस्ट्री सीटर करीब जेल में हैं, 1 की मृत्यु हो चुकी है और 8 लापता है। सबके खिलाफ जो नोन है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मतलब चुनाव में अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये माहौल बनाने के ही कार्यक्रम है, खुद ही को कर बुलंद इतना तकबीर से पहले खुदा बनने से पीछे बता देरी रह गया है। आपका सहयोग चाहिए, ठीक है, जनता का सहयोग चाहिए, हम अच्छा माहौल देंगे। हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश है, उनका कड़ाई से अनुपालन करेंगे। कहीं कोई दुर्व्यवस्था होने की संभावना अभी नहीं है, न होने देंगे। धन्यवाद। We'll be right back.